राष्ट्रवादीने शिवसेना फोडली का दीपक केसरकर आणि त्यांच्या कंपनीने शिवसेना सोडली? आपके पास कितने MLA है और कितने नहीं, ये उसमें मायने नहीं रखती शुरू में। तो उनके पास कितने MLA है साथ में आज, उससे ज़्यादा वो कितने MLA चुन के ला सकते हैं, उसके ऊपर ये गठबंधन का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। दीपक केसरकरांना शिवसेनेने उद्धव ठाकरेंनी मोठी संधी दिलेली होती। आता राष्ट्रवादीने शिवसेना फोडली का दीपक केसरकर आणि त्यांच्या कंपनीने शिवसेना सोडली, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे। चोराच्या उलट्या बोंबा अशा ज्या म्हणी आहेत ना, त्या म्हणींचा अभ्यास दीपक केसरकरांनी करायला पाहिजे। सर, प्रदेश अध्यक्ष की नाते इस तरह से उद्धव नेता सबके एक साथ आए, अभी तो कहीं तय नहीं हुई है, शायद हो सकती है। सर, नारायण राणे का ये कहना है कि ये जो भीम शक्ति और शिव शक्ति की बात कही जा रही है, दोनों नेताओं के धरातल पे कहीं कोई प्रेजेंस दिख नहीं रही है। जिस शिवसेना के बारे में शिव शक्ति की बात की जा रही है, उनके 56 विधायकों में से तो सभी निकल गए हैं, 12 भी अब उनके पास नहीं बचे। धरातल पे है कौन इनके लिए काम करने के लिए, इस तरीके की तल्ख टिप्पणी की है, क्या कहेंगे सर? नहीं, जब राजनीतिक पार्टी का विचार करते हैं तब वो विचारधारा का विचार भी होता है। आपके पास कितने MLA है और कितने नहीं, ये उसमें मायने नहीं रखती शुरू में। वो तो चुनाव में MLA चुन के आ सकते हैं ना, विचार कौन सी विचारधारा, अलग अलग विचारधारा जब इकट्ठा आते हैं, दो पार्टियां इकट्ठा आती है, दो विचार करने वाले लोग इकट्ठा आते हैं, तो उनके पास कितने MLA है साथ में आज, उससे ज़्यादा वो कितने MLA चुन के ला सकते हैं, उसके ऊपर ये गठबंधन का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। जगदाव